और ये हो गया हमारा गुड मॉर्निंग। आप मतलब उसी के पहले तो मतलब वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता ही है सुबह हो गया है। और मैं मतलब चॉकलेट के साथ आके फिर मैं खा रही हूँ वीडियो बना बना के, फिर मेरा आवाज़ आ रहा है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही शोर हो रहा था यार, बहुत ही शोर पूछो ही मत, इतना शोर हो रहा था वहाँ पर। मेरा तो मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा यार, इतना लोग मतलब वहाँ पर थे और बहुत सारा मतलब इन्जॉय कर रहे थे हम मतलब ट्रेन में। और ये यहाँ पर देखो बहुत ही ऊपर था ओके, मतलब बहुत ही ऊपर था। सारे जो भी आ रहे थे ना सारे देखो फोटो उठा रहे थे। ये देखो माँ वैष्णव देवी है और वहाँ पे मतलब उनका कटरा जो है, हम वहाँ पे स्टेशन पे भी वेर पहुँचने के बाद हमारा जो बैग वगैरह है वो कुल्ले लेकर आ गया ऊपर, फिर हम आ गए ऊपर, फिर उसी के बाद क्या बस एंजॉय ही एंजॉय। मतलब इतना हैप्पीनेस था ना, मतलब क्या भी बोलूँ मैं खुद को, मतलब बहुत ही एंजॉय किया। और मेरा आवाज़ आ रहा है नहीं यार, प्लीज़ मैनेज कर लेना। और ये फिर हम चले बैग लेकर नीचे तक, मतलब नीचे तक नहीं बाहर तक, फिर वहाँ पे ना हमारा चेकिंग हुआ। अब क्योंकि मतलब ये ना जो बहुत ही मतलब अच्छा वाला प्लेस है और वहाँ पे ना कुछ वैसे वगैरह होना नहीं चाहिए तो, और वहाँ पे बहुत ही मतलब सेफ्टी के लिए बहुत भी पुलिस वगैरह थे। और फिर हमारा बैग का चेक हुआ, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। फिर उसी के बाद हम आ गए चेकिंग करने के बाद, मैं तो वीडियो बना रही थी, फिर इतना लोगों थे ना तो मुझे लगा कि मेरा तो बैग गायब भी हो जाएगा। अब जब भी आओ ना आपका बैग का ध्यान देना कि मतलब आपका बैग वगैरह पर्स वगैरह मोबाइल, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे ही चोरी हो जाता है ओके। फिर हम यहाँ पे चेकिंग वगैरह करने के बाद फिर हम आ गए ये मतलब टिकट करने के लिए, मतलब गाड़ी में जाने के लिए टिकट करने के लिए, फिर हम आ गए। ये मिला ये जो बहुत ही पास था, लेकिन मतलब दिख रहा था बहुत ही दूर लेकिन पास ही था। फिर भाई ने बोला कि क्यों अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तू तो अंदर बैठेगी ना, जब कटरा पे जाएंगे तो प्लेन मतलब हेलीकॉप्टर पे बैठेगी ना। तो मेरा तो मन ही मन खुशी हो गया कि अरे हाँ चलो मैं तो मतलब बैठूंगी वहाँ पे, लेकिन आपको बाद में पता चल जाएगा क्या होगा मेरे साथ ओके। फिर उसी के बाद मैंने बोला हाय बोल दो बेटा, फिर मैंने फिर भी मैंने भी हाय बोल दिया। फिर हम मतलब स्पीडी से जा रहे हमारे रूम तक। ये देखो मतलब व्यू बहुत ही मस्त था। दीदी बोल रही थी हम तो पैदल ही चल जाते, अरे हाँ पैदल इतना भी पास नहीं है, पैदल आप चले जाओगे ओके। देखो वहाँ पे ना मस्त ही था, मतलब इतना अच्छा व्यू, और सभी को तो एक ना एक बार जाना ही चाहिए वहाँ पे। मतलब मैं सजेस्ट करूँ मतलब एक बार ही तो जाओ, मतलब इतना व्यू इतना अच्छा था ना, आने का भी मन नहीं हो रहा था ओके। फिर वहाँ पे जो भी रूम था मैं ना अभी तो ये हो गया ये वीडियो, इसी वीडियो के बाद में ना मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कैसे हम गए थे वहाँ पे, क्या किया, क्या खाना पीना, क्या क्या कैसे था, सब कुछ मैं बताऊंगी ओके। और प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखो एक मतलब फ्रूट्स था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पर ना आप जब भी आओ ना कटरा मतलब माता वैष्णो देवी के पास, तो मतलब यहाँ पे सस्ती मिलती है अखरूट, बादाम, काजू वगैरह, और कंबल, कंबल हो गया, और मतलब जो भी है सारे आपको मतलब चीप प्राइस में मिलता है। और मैं ना नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी आपको कि हम जो ब्लैंकेट वगैरह लेकर आए हैं ना, मतलब अभी तो वो घर पे डिलीवर हो गया है लेकिन वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, मेरे से जितना हो पाएगा ना मैं दिखा दूँगी मतलब क्या क्या हम वहाँ पर खरीद देते ओके। फिर ये देखो मतलब यहाँ पे ना जितने देखोगे आप ड्राई फ्रूट्स, अखरूट वगैरह, बादाम, मतलब वहाँ पे ना कितना ड्राई फ्रूट्स था जो कि मुझे मतलब नाम ही मुझे नहीं पता, मतलब कि मैं ना आपको वीडियो में दिखा दूँगी, मैं भी लेकर आई थी, मैं वीडियो में दिखा दूँगी। फिर हम आके यहाँ पे पहुँच गए हमारा जो होटल के पास था ये पहुँच गए, जो कि हमारा हुआ होटल क्या था भवानी, भवानी होटल भवानी था। उसका मतलब हाइजीनिक इतना मेंटेन था यार, मतलब मैं तो बहुत ही खुश हो गया। अरे रहा हमारा बैग वगैरह, बोले कि अंकल बोले थे तुम चलो हम लेकर आगे जाएंगे। फिर होटल में मतलब जो भी ये देखो होटल मतलब कि कोई आता है होटल तो बाहर नहीं जा सकता है ना, तो वहाँ से खरीद सकता है। ये देखो नाइट का व्यू, माता वैष्णो देवी का नाइट का व्यू था ये। फिर रिसेप्शन, फिर हम चले जीजू चले लेकर के लिए, फिर पढ़ाई लिखाई वो क्या बोलते सिग्नेचर वगैरह करने के लिए, फिर आधार कार्ड वगैरह सारे हो गया डिपॉजिट। डिपॉजिट होने के बाद पता है ना, ये देखो माँ वैष्णो देवी जय माता दी,
फिर पता है ना जो मेरा गूगल था ना वो मतलब खो गया था होटल के अंदर, मतलब उसको तो इतना ही मतलब खुशी लग रहा था ना, वो तो भाग के चला गया। फिर मैं उसी के पीछे पीछे देखो मतलब मोबाइल हल्ला ना, मैं उसी के पीछे पीछे आ रहा, क्या मतलब ऐसे तो हम जानते नहीं है ना न्यू प्लेस है कहाँ पर चला जाएगा वो। फिर मैं उसको लेकर आ गई, फिर उसी के बाद वो देखो कैसे चल रहा है हीरो की तरह डॉन में। फिर हम आके फिर बोला ये क्या है क्या है, मैं तो उसी के पीछे पीछे ही रहती थी। मैंने बोला ये बस स्टाइल है स्टाइल बनने के लिए। फिर हम चले लिफ्ट के अंदर, जो कि पता है हम ना अंडरग्राउंड में रहेंगे, वहाँ पे ना मतलब इतना मतलब हम ना बहुत नीचे रहते हैं, मतलब हमारे ऊपर ना और दस या मतलब 5 ऐसे ही कुछ था बिल्डिंग, लेकिन पता है ना हम बहुत ही नीचे गए थे अंडरग्राउंड में, क्योंकि अंडरग्राउंड में आप रहोगे ना तो आपका ऊपर का व्यू ना बहुत ही अच्छा आएगा। ओके तो फिर हम वहाँ पे चले अंडरग्राउंड में रहने के लिए, और वो अंडरग्राउंड का थोड़ा सा मतलब आपको पैसा डबल पड़ेगा, लेकिन आप आओ तो मतलब कभी आओ तो अंडरग्राउंड में रहना बहुत ही मजा आएगा उसका, मतलब मैं ऊपर जाने के बाद ना आपका व्यूज़ दिखाऊंगी आपको। सो ये रहा हमारा -1 में था, तो ये मैं मतलब वीडियो बना रही थी, मैंने बोला अरे मेरे भी तो कोई फ़ोन पकड़ लो, फिर भाई गाली दे रहा था मुझे। फिर दीदी बोले हाँ ऐसे तो करते हैं, फिर मेरा ये रिएक्शन हो गया ये देखो। फिर उसी के बाद हम आ गए वहाँ से, फिर और कोई अंकल वगैरह चले गए वहाँ पे, अब अंकल पूछ रहे थे आप जा रहे हो कि आ रहे हो। फिर हम चले रूम पे, जो कि हमारा रूम नंबर था क्या था Y10 ऐसे कुछ था। तो ये देखो यार मतलब बहुत ही नीचे, मैं दिखाऊंगी रुको देखो बहुत ही नीचे, ये सारे अंडरग्राउंड के मतलब अंडरग्राउंड के नीचे के रूम है। ओके अरे ये फिर मेरे बच्चे क्या गंदा बच्चा है, फिर मम्मा के पास जाके लिपट गया। फिर मैं बोल अरे मेरे तो कोई वीडियो बना दे रहे। फिर मैं चली, और आए हो तो होटल में बाहर जा रहे थोड़ी ना, घर पे तो मस्ती करना ही तो पड़ता है ना। तो ये मतलब मैं मस्ती के मूड में हूँ, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के मूड में हूँ, 2 दिन के बाद मैं नहाए भी नहीं हूँ। तो ये चली फिर अरे गिर जाऊँगी तो मेरा लाश भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। देखो हमारा बेड जो कि बहुत ही मतलब अच्छा था, हाइजीनिक मेंटेन था, और उसी को हम जाने के टाइम में हाइजीनिक से क्या क्या हाइजीनिक कर दिया वो मैं आपको दिखा दूंगी। ओके फिर ये देखो मैं मतलब आगे वहाँ पे बाहर आगे जीजू आए थे, ऊपर खोल दिया, ये देखो ऊपर का भी वाव जस्ट वाव। मैं तो ऊपर चढ़ने के बाद ना यही बोलते वाव, ये देखो नीचे झरना आ रहा है, ये देखो सफेद सफेद का झरना आ रहा है, और मैं देखो हम देखो कितने नीचे है मतलब, और वहाँ कितने नीचे है हम देखो, ये फिर भी मतलब बहुत मतलब पहाड़ के ऊपर ये बना बना के पहाड़ के ऊपर होटल हो मतलब हुआ है। ये देखो ये ऊपर हम वहाँ से जाएंगे मतलब ऊपर जाएंगे। जीजू वहाँ पे 3-4 बार आके घूम फिर के जा चुके हैं, और हम ये देखो फ्री वाला सोप, और चलो ये तो टॉवल ले जाएंगे, वो ये फ्री वाला सोप था, 4 फ्री वाला सोप था 4 टॉवल था। फिर उसी के बाद ही मतलब क्या बोलो वो हम जो आए नहा फिरे, फिर लेकिन हम सोप लेकर आए थे यार। ओके तो ये रहा मेरा गूगल बेटा नहा लिया, नहाने के बाद उसको बहुत ही ठंडी लग रही थी, लेकिन फिर उसी के बाद हम गर्म पानी में उसको मतलब नहाया, लेकिन वो देखो उसको मतलब बहुत ही मस्ती मूड में है बच्चा। फिर नेक्स्ट